जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा 20 दिनों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें पेंटिंग्स, डांस और थिएटर प्लेस बच्चों को सिखाए गए। आज इस वर्कशॉप का समापन है और यहाँ पर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। जो भी बच्चों ने यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हैं और जो कुछ भी सीखा है, आज वो यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है और इसको देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बच्चों की इस कला की तारीफ कर रहे हैं। ये पेंटिंग्स जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही पेंटिंग्स हैं जो इन बच्चों ने बनाई हैं और ये पेंटिंग्स उन्होंने इस वर्कशॉप में सीखने के बाद बनाई हैं। ये खूबसूरत पेंटिंग्स लक्ष्य ने बनाई हैं और लक्ष्य इस समय हमारे साथ है। लक्ष्य से बात करते हैं। लक्ष्य कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेवन्थ में पढ़ते हैं। और कब से पेंटिंग कर रहे हैं? एक साल हो गया मुझे, तो मैं सिक्स्थ में था तब मैंने स्टार्ट की थी पेंटिंग्स। अभी आपने ये जो एकेडमी ने वर्कशॉप यहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी, या 20 डेज की वर्कशॉप थी, तो कितना कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले उन्होंने हमको शेडिंग सिखाई, स्केच बनाना सिखाया, उसके बाद सिखाया हमको पेंसिल कलर से, फिर एक्रेलिक कलर, फिर वाटर कलर। यानी कि आपको बहुत कुछ सीखने को इस वर्कशॉप में मिला। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, जो जो आपने पेंटिंग्स बनाई है, क्या है ये यहाँ पर जो आपने बनाया है, क्या है ये? ये क्यूब है। और ये कौन सी पेंटिंग है? ये क्या आपने इसको पेंसिल शेड की हुई है? यस yes. अच्छा, और ये जो बनाया है? ये वाटर कलर से बनाया गया। ये वाटर कलर से बनाया हुआ है। तो इस वर्कशॉप में आपको ये डिफरेंस पता चला कि पेंसिल से कैसे करते हैं और वाटर कलर से कैसे पेंट करते हैं? यस yes. अच्छा, और भी बच्चे जो चाहते हैं कि पेंटिंग में आगे जाएं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको यही है कि घर पे खुद प्रैक्टिस करो, खुद आ जाएगी आपको बनाना। खुद प्रैक्टिस करो। आप कितनी देर प्रैक्टिस करते हो पेंटिंग की? मैं घर पे करता हूँ एक घंटा। एक घंटा। और इस वर्कशॉप में कितनी देर आपको पेंटिंग करवाई जाती है? 1:30 तक। 1:30 तक। अच्छा, कितना इंटरेस्ट है पेंटिंग में? बहुत ज़्यादा। आगे जाके और पेंटिंग सीखना चाहेंगे? यस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए लक्ष्य। ये समय लक्ष्य हमारे साथ थे और ये पेंटिंग्स कुछ हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जो बच्चों ने बनाई हैं और अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन यहाँ पर किया है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने अभी यहाँ पर ये 20 दिन की वर्कशॉप लगाई थी और इस वर्कशॉप में बच्चों के टैलेंट को निखारा गया। इनको अलग अलग तरह से पेंटिंग करनी सिखाई, जैसे कि लक्ष्य ने कहा कि वाटर कलर करना सिखाया गया, पेंसिल स्केच बनाना सिखाया गया और काफ़ी कुछ उन्हें इस वर्कशॉप में सीखने को मिला है। इसके अलावा इस वर्कशॉप में डांस और थिएटर भी सिखाया गया है। वो भी कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ उन्हें सीखने को मिला है। कुछ और बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं जिन्होंने खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं। क्या नाम है आपका? अयाना। अयाना, ये जो आपके पीछे पेंटिंग्स लगी हैं, सब आपने बनाई हैं? यस मैम, थोड़ी मैंने बनाई है, थोड़ी और बच्चों ने बनाई है। ये यहाँ पर हनुमान जी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ये आपने बनाए? यस मैम। कितना टाइम लगा इनको बनाने में? मैम ज़्यादा नहीं, 2-3 hours तो लगे गए। 2-3 hours लग गए। कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग बनाने में नॉर्मली? मैम 1-3 hours तक लग जाते हैं। अच्छा, कब से पेंटिंग कर रही हैं? मैम जब मैं 3rd class में थी तब से मैंने स्टार्ट किया। अभी कौन सी क्लास? 5th। अभी 5th में, यानी कि 2 साल से आप पेंटिंग कर रही हैं। अच्छा, जो यहाँ पे 20 दिन की वर्कशॉप में आपने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या सीखने को मिला? हमें यहाँ स्केचिंग सीखने को मिली, वाटर कलर सीखने को मिले, पेंसिल कलर सीखने के मिली और काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आया इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुछ और बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम सोनाक्षी है। सोनाक्षी, आपने इस वर्कशॉप से क्या क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने पेंटिंग करना सीखा, स्केच बनाना सीखा, कलरिंग करना सीखा, बहुत कुछ सीखा। अपनी इन सारी पेंटिंग्स में से आपकी फेवरेट जो पेंटिंग है वो हमारे दर्शकों को दिखाइए। इनमें से मेरी ये हाफ पेंटिंग से ये 2 भी लगी हैं। जो आपकी फेवरेट है वो वाली दिखाओ और उसके बारे में बताओ। ये हाँ जी, क्या बनाया है इस पे आपने? इसमें एक हैंड है, उसके ऊपर मतलब वो ना अपनी बटरफ्लाई उसने कैद की थी, वो उड़ाना चाहती है उसको वापस से। और सीरियसली बहुत ही प्यारी पेंटिंग ये है। अच्छा, और आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे इस आर्ट को? हाँ जी। और एक मैसेज जो लोग आपको इस समय देख रहे हैं उनको देना चाहती हूँ, और भी बच्चे जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर पे कीजिए, आप सीखिए, अगर आपको नहीं आता आप YouTube पे देखिए, वहाँ से सीखिए, और आप इधर वर्कशॉप पे भी आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर।
चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स मोना सिंह जी यहाँ पर पहुँची हैं, जो खुद ये एग्जीबिशन देख रही हैं। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें बच्चों का टैलेंट कैसा लगा। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, आप यहाँ पर पेंटिंग्स देख रही हैं, कितनी अच्छी पेंटिंग्स आपको लगी? बहुत ही अच्छी है, इतने छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे से बनाया है और इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं इन्होंने, हाँ आपका अंकुश जी ने इन्हें बहुत अच्छे से ट्रेन किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चों में इतना टैलेंट है, इसको आगे भी बढ़ावा देना चाहिए। मैम, एकेडमी ने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी 20 डेज़ की। ऐसे देखा जाता है कि जब खाली टाइम होता है तो बच्चे गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स पे लगे रहते हैं, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव एकेडमी ने लिया है कि यहाँ पर वर्कशॉप लगाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस एकेडमी के हम सभी बहुत आभारी हैं, सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स और हम सब, और हम चाहते हैं कि एकेडमी इसी तरह से हर साल ऐसे वर्कशॉप लगाया करे और बच्चों की प्रतिभा को बढ़ावा दिया करे। यहाँ के लोग तो बड़े मारवाड़ी करते हैं, अब चिंता मत कीजिए। बहुत लोभ मत करना, देखना, हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए या मैं नरक निदान। आप तो सूर्पनखा के नाम से डरे हैं। फिर वही नाम, मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि तुम उसको बार बार सूर बुलाना चाहते हो, सूर्पनखा को 500 काड़े लगे। पर महाराज, सूर्पनखा तो रामायण में थी, वे रावण की बहन थी, उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती? इस मल्लू को निकालो, कारीगर का बदल लाओ। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? महाराज मेरा कुछ दोष नहीं। हाँ हाँ, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? महाराज मेरा कोई दोष नहीं, महाराज महाराज कुछ महाराज महाराज नहीं, कोतवाल को अभी लेके जाओ। प्ले के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हमारे साथ हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम मोहम्मद उमर डार है। उमर, क्या बने थे प्ले में, कौन सी भूमिका आपने निभाई? मैंने महंत का रोल प्ले किया था, जो इस प्ले में मेन जो साधु हैं उनका रोल। कब से थिएटर कर रहे हैं? मुझे अभी मैंने यूके में भी मैंने काफ़ी देर प्ले किया था, तो उसके बाद यहाँ पे आके तो एक 20 डेज़ का वर्कशॉप, तो उसको भी अटेंड करने के लिए मैंने सोचा, तो अभी 20 डेज़ हुए हैं उतने दिन से। तो अच्छा, कितना कुछ इस वर्कशॉप से सीखने को मिला? जी काफ़ी चीज़ें मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा मतलब, मैं इंट्रोवर्ट हूँ बहुत और शायद भी मैं काफ़ी हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस। इंट्रोवर्ट होने के बावजूद भी आप थिएटर कर रहे हैं जी, क्योंकि एक थिएटर मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देता है, क्योंकि सर ने भी हमें समझाया कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि फ्यूचर में भी अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपको एक कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। तो आपने कहा कि आप यूके से अभी आए हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर स्पेशली इस वर्कशॉप के लिए आए थे या? जी मुझे पता चला, मेरे फादर ने भी मुझे बताया कि यहाँ पर एक वर्कशॉप हो रही है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि अटेंड कर ही लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है, काफ़ी लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया। तो क्या यहाँ से लेके जा रहे हैं साथ में, कितना अच्छा एक्सपीरियंस, कितना अच्छा आपका यहाँ पे वर्कशॉप रहा? जी काफ़ी अच्छा रहा, ऐसे एक्सपीरियंस तो है ही। जो हमारे सर का एक तो मतलब सर ने काफ़ी चीज़ और भी चीज़ें समझाई, जैसे कम्युनिकेशन तो है ही, उसके साथ एक बेटर ह्यूमन कैसे बनना है, खुद को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई अटेंशन चाहिए या फिर लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा आयोजित वर्कशॉप के बाद आज यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया था, जिसमें बच्चों ने अपने टैलेंट को जाहिर किया। एग्जीबिशन यहाँ पर पेंटिंग्स की लगाई गई, साथ ही साथ डांस परफॉर्मेंस यहाँ पर हुई और थिएटर प्लेज भी हुए, जिससे ये पता चला कि बच्चों को इस वर्कशॉप में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। साथ ही साथ जो चीफ गेस्ट यहाँ पर आई हुई हैं मोना सिंह, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की वर्कशॉप्स भविष्य में और लगानी चाहिए, ताकि बच्चों को और ज़्यादा सीखने को मिले। तो इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाज़त, और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।